हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉटेज ऑफ आर्ट्स। कैसे हो आप सब? चलो आज की क्लास शुरू करें फिर। चलिए लेट्स बिगिन, हैव फन। आज हम लोग सीखेंगे रियलिस्टिक फेस बनाना, वो भी पेंसिल कलर्स की मदद से। सबसे पहले हम लोग फेस लेंगे, ये हम पेज है हमारा, इस पे हम लोग वैसी फेस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अब पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फेस के प्रोपोर्शंस जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसे ही ड्रॉ करेंगे। फेस बनाएंगे, नोज़ के लिए लाइन बनाएंगे, नीचे लिप के लिए जॉ लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। आज हम एक छोटे बच्चे का फेस ड्रॉ करेंगे और उसको पेंसिल कलर से फिनिश करेंगे, ठीक है। और रियलिस्टिक फेस बनाएंगे, उसमें पेंसिल कलर की रेंडरिंग से कैसे रियल फेस को ड्रॉ करते हैं ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, और वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है, तभी समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आईज बनाएंगे, फिर नोज़ के लिए लाइन बनाएंगे, ऐसे नोज़ के लिए सर्कल, जैसे हमने प्रोपोर्शन सीखे थे ना पिछली क्लास में कि नोज़ आईज कैसे बनाते हैं। जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं वो मेरी पुरानी वीडियो देखना, उससे आपको प्रोपोर्शंस का पता चलेगा। और आज हम लोग उन्हीं प्रोपोर्शंस को यूज़ करके बनाएंगे। तो ये फोटोग्राफ है मेरे पास जो मैंने बहुत पहले क्लिक करी थी, तो आज हम इसी को पेंसिल कलर से कलर करेंगे। इसे ड्रॉ किया, आईज की लाइन बनाई और फिर ऐसे हेयर की लाइन बनाई और ऐसे ऐसे करके ड्रॉ किया और फिर यहाँ पे इसको अब लिप्स के लिए लाइन बनाई, ऐसे लिप्स ड्रॉ करें, ऐसे लिप्स ड्रॉ किया और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे वाली लिप ड्रॉ करी और फिर अभी ओ, अब हम इसके हेयर ड्रॉ करेंगे ऊपर की लाइन और फिर उसके बाद इसे ड्रॉ किया, उसके बाद आउटलाइन बनाया, और फिर ये ऐसे ऐसे करके बनाया, हेयर्स की आउटलाइन ड्रॉ करी। बहुत ज़्यादा हेयर्स में डिटेलिंग नहीं देंगे, बस हल्के हल्के हाथों से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब ऐसे करके ये शोल्डर लाइन थोड़ी सी, ये हल्के सी नेक दिख रही है, थोड़ा सा बना दिया और फिर ऐसे करके ये बनाया और फिर यहाँ पे हेयर लाइन ड्रॉ करी, ऐसे ड्रॉ किया ऐसे बनाया, फिर उसके बाद जैसे हल्के हल्के हाथों से आउटलाइन ड्रॉ कर ली फेस की और फिर उसके बाद ऐसे ये बनाया। तो ये हमारी मोटी मोटी फेस की आउटलाइन बन गई ड्रॉ की, तो ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे बालों को लाइन दे देंगे, आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। क्योंकि एक बार आप फेस बनाना सीख जाओगे तो आपके अंदर से वो फ्रंट फेस बनाने का डर निकल जाएगा और फिर कलर्स के साथ जब आप बनाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ऐसे बना लें और ज़्यादा जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं उनको हम इरेज कर लेंगे, जो अंदर की बेस लाइन्स जो हमने बनाई थी उनको इरेज कर देंगे, तो फेस थोड़ा क्लीन हो जाएगा ऐसे। और फिर उसके बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाथ वो नहीं लगाएंगे, मतलब अपने हाथ को पेपर के ऊपर बहुत ज़्यादा घिसेंगे नहीं, बहुत आराम आराम से बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ड्रॉ किया, उसके बाद
नहीं, अब हम लोग ऐसे ऐसे करके बना देंगे। एक्स्ट्रा लाइन रिलीज किया। अपने आर्टवर्क को क्लीन रखना है, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं बनाना है, और पेपर बिल्कुल गंदा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, तभी आर्ट का आर्टवर्क देखने में अच्छा लगेगा। नहीं तो अगर बहुत अनटाइटी सा होगा, कलर बहुत अच्छा किया होगा पर पेपर ऐसे मोड़ा थोड़ा होगा, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने आर्टवर्क को क्लीन रखना भी आर्टिस्ट का सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट होता है आर्टिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिस्ट की है कि अपने आर्टवर्क को क्लीन कैसे रखें, क्योंकि देखने वाला भी तभी देखेगा ना जब काम साफ सुथरा होगा। तो कोशिश करो कि अपना काम एकदम क्लीन रखो, साफ सुथरा। ठीक, तो अब हम लोग इसमें पेंसिल कलर से करेंगे थोड़ा थोड़ा। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। तो हमारे पास अभी पेंसिल कलर्स हैं, ये मेरे पास स्टेडलर की पेंसिल कलर्स हैं, और ये कुछ शेड्स हैं जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्राउन कलर से शुरू करेंगे। तो ब्राउन कलर से हम लोग हल्के हल्के हाथों से जल्दी जल्दी, मतलब हल्के हाथों से ऐसे कलर करना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे करके इसे बेस में, फेस से फेस पे हम लोग ब्राउन कलर से बेस कलर लगाएंगे। ऐसे 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 किया, हल्के हल्के हाथों से ब्राउन कलर, जितना भी फेस का एरिया है उस सब में ब्राउन कलर पहले ऐसे लगा लेंगे। अब नेक लाइन में भी ऐसे थोड़ा सा नेक लाइन ब्राउन कलर किया, और ऐसे ऐसे किया, डेप्थी ये बनाया, बालों की तरफ भी ले गए ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बनाया, थोड़ा थोड़ा डेप्थ दी आइज़ के नीचे, जो डेप्थ होती है ना तभी वो आइज़ ऊपर निकल के आती है, तो आइज़ के नीचे की तरफ शेडो दिया। आईब्रोज और आइज़ के बीच में जो एरिया होता है वो हमेशा थोड़ा डार्क रहता है, ऐसे डार्क किया, थोड़ी आईबॉल को थोड़ी सी थोड़ा सा डार्क किया, बीच में जो आईबॉल के बीच में भी एक डार्क सर्कल होता है उसको भी थोड़ा डार्क किया, वो बहुत सबसे ज़्यादा डार्क वही पार्ट होता है आईज़ में, तो ऐसे ऐसे करके इसको डार्क किया, और फिर उसके बाद ऐसे इसको थोड़ी सी शेडो दी नोज़ के पास ऐसे। अब ये ऐसा होता है ना मजदूर के छोटे बच्चे जो होते हैं, ये किसी छोटी बच्ची की फोटो थी, तो हम लोग उसको आज कलर कर रहे हैं पेंसिल कलर से। तो ऐसे करके हम लोग इसमें की नोज बनाएंगे, हम नोज को कलर करेंगे, और स्टेप बाई स्टेप आप जा सकते हो, पहले आईज को कलर कर लो, फिर और धीरे धीरे, मतलब जैसे आप थोड़ा थोड़ा शेडो देते जाओ, जहाँ पे डार्क लगाओ डार्क किया इस टाइप से आप करते रहो, तो अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। बहुत हल्के हाथों से बस पेंसिल कलर्स का ये होता है कि सबसे पहले लाइट टोन, फिर डार्क टोन, पहले लाइट टोन, फिर मिडिल टोन, फिर डार्क टोन, चलते हैं ऐसे करके। लिप्स में जैसे हल्का सा रेड किया, फिर उसको थोड़ा सा ब्राउन कलर से थोड़ा सा डेप दिया, किया तो ऐसे डेप दी स्टेप से, ऐसे किया, उसके बाद ऐसे ऐसे करके थोड़ी सी शेडो दी। अभी हम लोग लिप्स को एकदम पर्टिकुलर लाइन नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो लिप्स को ऐसे आउटलाइन दे देते हैं, फिर उसके अंदर कलर फिल करते हैं, तो उसे वो बहुत नकली नकली सा फील आता है, तो ऐसे नहीं करने। ऊपर की लिप्स हमेशा थोड़ी डार्क होती है, नीचे की थोड़ी सी लाइट होती है, और नीचे वाली लिप्स को पूरा एक कंप्लीट लाइन नहीं देंगे, उसको थोड़ा सा किनारे किनारे से स्किन के साथ उसको मर्ज करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ऐसे किया, ऐसे मेरे को बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सब पेंसिल कलर से कैसे कलर करते हैं, तो मेरी एक क्लास स्टूडेंट्स के लिए है जो
जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि पेंसिल कलर्स को कैसे यूज़ करना है, तो आप देखो पेंसिल कलर से भी आप लोग रियलिस्टिक ड्राइंग्स कर सकते हो। जरूरी नहीं कि अगर आपके पास वाटर कलर नहीं है तो कैसे करूँ, वो नहीं होना चाहिए। पेंसिल कलर से भी आप कलर करोगे तो आप किसी भी ड्राइंग को अच्छा निकाल सकते हो। आप ऐसे स्टेप बाई स्टेप चलना है, धीरे धीरे आप ऐसे ऐसे करके शेडिंग करो, ऐसे ऐसे डार्क टोन दो, ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा हेयर्स को कलर करते हैं। इसमें भी पहले ब्राउन कलर से ऐसे वो किया, थोड़े स्ट्रोक्स दिए, डार्क ब्राउन कलर होता है ना, उस ऐसे डार्क ब्राउन कलर से शेडिंग दी, ऐसे किया, अब ऐसे शेडो दी, अब डार्क टोन मतलब देंगे जो साइड वाला पार्ट होता है उस पर थोड़ा थोड़ा डार्क टोन देंगे, फेस को भी डार्क करेंगे, फिर ऐसे हेयर्स को डार्क करेंगे। हेयर्स में जो पेंसिल के स्ट्रोक्स हैं उनको हेयर्स की जिस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऐसे करके कलर करेंगे, तब वो और अच्छा निकल के आएगा। ऐसे शेडो दी, ऐसे ऐसे करके अभी ये पेंसिल कलर से इसमें हेयर्स तो अभी और डार्क होंगे, तो ये अभी हमारा फर्स्ट टोन है। जैसे जैसे करके बाल जो मुँह के ऊपर आ गए उसको भी थोड़ा डार्क किया, ऐसे डार्क किया किनारे किनारे से, ऐसे ऐसे डार्क किया, जैसे शेडो थी बालों बाल जहाँ पे नीचे गए थे वहाँ पर फेस के ऊपर भी थोड़ी शेडो आएगी, ऐसे ऐसे करके शेडो दिया, ऐसे शेडो करी, उसके बाद ऐसे लगाया नोज के नीचे थोड़ी शेडो करी। कुछ कुछ पार्ट होते हैं फेस के जिसमें हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, तो नोज़ के नीचे वाली पार्ट जो होता है और आईब्रोज और आईज के बीच वाला जो पार्ट होता है उसमें काफ़ी डेप्थ होती है, और जो लिप्स के नीचे वाला पार्ट होता है, जो चिन वाला पार्ट होता है उसमें भी डेप्थ देनी होती है, तब फेस निकल के आते हैं। बहुत हल्के हल्के हाथ होते हैं ऐसे, जैसे कहीं पे सर्कुलर हैंडलिंग करनी है, बहुत कलर्स को आपस में मिक्स करते हुए जाना है, बहुत ऐसे स्ट्रोक्स वैसे नहीं दिखनी चाहिए, जो स्ट्रोक्स हैं उनको आपस में मिक्स कर लो के हाथों से, तो अपने आप ही वो अच्छा जाएगा। डार्क किया, ब्लैक कलर से भी हम यूज़ करेंगे, ब्लैक कलर से भी ऐसे दे देंगे, ऐसे किया, ऐसे ऐसे करके ऐसे इसमें डेप थी, अपने हाथ के नीचे ये शीट रखनी है, पेपर कोई भी आपका जो आपके पास जो पेपर है उसको रख लेना। जब आप ऐसे ऐसे पेंसिल की स्ट्रोक में ऐसे करते हो ना तो आपके हाथ ऐसे ऐसे हिलते हैं, तो अगर आप ये नहीं रखोगे तो आपका आर्टवर्क गंदा हो जाएगा, ठीक है, वो घिसने लगेगा और एक कलर दूसरे कलर का देखते हो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो ख्याल रखना है कि कलर आपस में मिले पर आपके हाथ के रगड़ने की जगह की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हो, डार्क ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हो पेंसिल कलर, ऐसे मैं अभी ब्लैक कलर भी यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू कलर तो ऐसे ऐसे करके डार्क करेंगे, ऐसे इसको डार्क किया,
ऐसे डार्क कलर से हो गया। उसके बाद धीरे धीरे वैसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी डेप्थ है, वहाँ पे डेप्थ थी, इतनी डेप्थ दिया। स्ट्रोक को एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे, हेयर हेयर जिस तरफ फ्लो कर रहे हैं स्ट्रोक चलनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इसमें करेंगे क्योंकि इनके वो रियल फील आएगा एकदम एकदम कॉम्पेयर करेंगे तो वो लगेगा कि अरे ऐसे किया। ऐसे डेप्थी किया, शीट किया, मतलब थोड़ा डार्क किया, बहुत आराम आराम से चलानी है। आपस में मिक्स करेंगे कलर्स को, बहुत पेशेंटली काम करते हैं, आराम आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करनी। आपको टाइम नहीं है तो पहले काम कर लो, फिर जैसे टाइम मिले आराम से के बाद करना कम्प्लीट। क्योंकि कलरिंग एक चीज़ डिमांड करती है और वह आपका पेशेंस। बहुत पेशेंस से अपने काम को करना है तभी वो काम अच्छा निकल के आएगा। नहीं तो अगर जितनी जल्दबाजी करोगे ना तो काम उतना ही भगदड़ वाला लगेगा और काम अच्छा नहीं निकल के आएगा। काम को बहुत आराम आराम से करना है, चलाने से हल्के के हाथों से कलर करते रहने, एक एक
इसको डार्क करेंगे। हर एक स्ट्रोक को स्टेप बाई स्टेप आराम आराम से देखते हुए जाएंगे। ये नहीं कि आप बाल कर रहे हो तो आप फेस नहीं कर रहे हो, जब आप बाल कर रहे हो तो आप फेस को भी देखते रहो कि फेस के साथ फेस की जो स्ट्रोक है उसके साथ मेरे बाल आपके स्ट्रोक कैसे जा रहे हैं, उनको टेप देने की जरूरत है तो वहाँ पर टेप दो। बहुत आराम आराम से करना है पेंसिल कलर करने में तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं। फिर लिप्स के नीचे से टैप देंगे, पूरे फेस में देखेंगे जहाँ जहाँ पे टैप की जरूरत है वहाँ पे टैप देते हुए जाएंगे तो धीरे धीरे आपका फेस ऊपर आने लगेगा, फेस दिखने लगेगा। ठीक है, तो बहुत आराम आराम से स्ट्रोक्स को बस में मर्ज करते हुए जाइए। कोई भी आउटलाइन मत ड्रॉ करिए, लिप्स है तो लिप्स की आउटलाइन मत ड्रॉ करिए, उसको कलर्स के थ्रू निकालिए। तो पेंसिल कलर का यही फंडा है, आपस में मिक्स हो और स्ट्रोक्स आपस में दिखाई ना दे, आपस में मिक्स हो के आए तो वो एकदम सॉफ्ट दिखती है, बहुत हार्श नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मैं ये जो कर रहा हूँ मैं बहुत हल्के हल्के हाथों से पेंसिल कलर चला रहा हूँ तो वो आपस में मिक्स हो गया। ऐसे करके मिक्स किया
बालों को थोड़ा ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स दिए, फिर उसके बाद अब हम लोग इसमें बैकग्राउंड को थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर से डेप दे देंगे, ब्लू कलर से इसका बैकग्राउंड ड्रॉ करेंगे। हल्के हल्के किनारे किनारे से हल्के हाथों से स्ट्रोक्स दिए, अब इधर से हम लोग येलो कलर से देते हैं क्योंकि थोड़ा सा लाइटर पार्ट है। अब इधर से डार्क लाइट टोन दिया और फिर ऐसे ऐसे करके थोड़ा डार्क ब्राउन कलर से थोड़ी सी डेप दे दी, ऐसे ऐसे करके इसको थोड़ा सा डेप दिया। पीछे कुछ बोरियाँ पड़ी है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ सैक्स का कलर दे दिया, ऐसे 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 करके इसको कलर दे देंगे। और फिर उसके बाद इसने से हल्के हल्के हाथों से इसको कलर करेंगे, डेप दिया ऐसी कलर करते रहेंगे साथ साथ। यहाँ जहाँ पे डार्क टोन की जरूरत है फिर डार्क टोन करेंगे। स्टेडलर कलर्स में ये खासियत होती है कि ये आपस में मिक्स बहुत अच्छे से होते हैं और स्ट्रोक्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, उनकी लेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, टूटती नहीं है, तो इसीलिए मुझे स्टेडलर कलर्स बहुत पसंद है। डार्क किया इसकी ड्रेपरी है, इसको थोड़ा सा डार्क किया, इसको थोड़ी सी डेप दी, वैसे इसमें थोड़ा सा फेस पे हल्का सा किया, फिर आपको आ जाएगा पेंसिल कलर लेना तो बहुत आराम से कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके इसमें थोड़ी देर थी उसके नीचे से किया या इसके नीचे देखती थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पर जैसे डेप्थ होती है, तो इस तरह से आपके लिए जो बच्चे फोटो है ये कंप्लीट हो जाते हैं और ट्राई करने के लिए ठीक है। इस टाइप से ये भी देखिए कोशिश करें ट्राई करने का। जैसे हमने आज ये फेस बनाया, वैसे आप कोई भी एक फोटोग्राफ लेकर उसे फ्रंट फेस बनाने की प्रैक्टिस करना और फिर मुझे आप दिखा सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो या पर्सनली भी मुझे दिखा सकते हो और कोशिश करना, बहुत मज़ा आता है पेंसिल कलर करने में। ठीक है, बस ये है कि आराम आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करनी, कर ले करने में तभी चीज़ अच्छी निकल के आएगी। अगर आप बहुत जल्दबाजी करोगे तो क्या है, वो बन तो जाएगा फिर।
में आवाज नहीं आएगी, ठीक है। तो कोशिश करने से अच्छे से करने का तो इस तरह से आपकी पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आज हमने क्लास में क्या सीखा कि पेंसिल कलर से रियलिस्टिक पोर्ट्रेट कैसे पेंट करते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक क्वेश्चन को जवाब देने का, ठीक है। तो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।
आगे आने वाली और जो मेरी वीडियोस हैं उसमें ऐसे आपको अलग अलग मीडियम्स के बारे में बताऊंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। चलिए, टिल देन एंजॉय। Thank you for watching.